वीज़ा नेम्स नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट सिविल लाइन्स अजमेर प्रेजेंट्स कौन बनेगा मेयर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। इस वक्त हम आप पहुँचे हैं वार्ड नंबर 18 में। यहाँ से वार्ड पार्षद हैं उर्मिला नायक और उनके वार्ड में हम ये जानेंगे कि आखिर उनके 4.5 साल के कार्यकाल में कितने विकास के काम हुए हैं। वाकई वार्ड की तस्वीर जो 4.5 साल पहले थी, क्या उसमें कोई परिवर्तन आया है क्या नहीं आया, इसी को जानने के लिए कौन बनेगा मेयर शो में आपको वार्ड 18 में लेकर आज हम चल रहे हैं और यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर यहाँ के बाशिंदे अपने वार्ड पार्षद से कितना खुश हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन Zomato एंड Swiggy एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स वैशाली नगर अजमेर। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114482312। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन के लिए कॉल करें 9992947733। यहाँ पे क्या 15-20 दिन में एक ही बार आता है। हाँ। तो यहाँ तो दिन भर ही कचरा पड़ा रहता है और दिन भर ऐसे नालियाँ चलती रहती ऊपर की। हाँ। सफाई कर्मचारी नहीं आते? नहीं आते, कम आता है। मतलब वार्ड पार्षद जज्जा जदि आता है और वार्ड पार्षद भी कम आता है। कितने समय में आता है सफाई कर्मचारी आपके? 15-20 दिन में एक बार आता है, बाकी बाहर आता है बस। बाहर का क्या है, अंदर गली में करो, गलियों के अंदर सफाई। हाँ, गलियों में कचरा पड़ा है, खादा पड़ा है, मच्छर खाते लोगों को, जब भी बीमारी फैल रही है। अच्छा, इससे पहले के जो पार्षद थे उनका कार्यकाल इनका कार्यकाल कैसा है, तुलना की जाए? एक ही तरह के पार्षद आए यहाँ तो सभी गली में। सब एक तरीके से हैं, काम नहीं कराया किसी ने? सब एक ही तरह से। अभी रोड बनाया तो रोड भी थोड़ा ऐसा ही चल रहा है, रोड तो फिर भी सही हो गया, चौड़ा भी हो गया रोड तो, बाकी कचरा नहीं हटता यहाँ से। कचरा नहीं हटता, कचरे की बड़ी समस्या है। समस्या डिपो है आपके इलाके में? डिपो है, वहाँ है ऊपर भगवान सरकारी स्कूल के पास में। तो यहाँ तो दिन भर मतलब महीने में आ जाए तो सही है, और रोटी मांगने आ जाते वो हरिजन लोग, बस जब जिस टाइम मांग लेंगे इसके बाद में तो कोई नहीं है। एक बार अभी आज आया वैसे सफाई करने वाले, जब भी तो बोल रहे। वार्ड 18 में इस वक्त हम हैं और एक बाऊजी हमको मिले हैं। बाऊजी क्या नाम है आपका? कालूराम बैरवा। अच्छा, ये बताइए उर्मिला नायक का कार्यकाल कैसा रहा? सबसे बढ़िया, पिछले जितने भी पार्षद थे उससे भी बढ़िया रहा कार्यकाल। क्या क्या काम कराया उन्होंने? उन्होंने CC रोड, हैंडपम्प, नालियाँ और जितने भी नाले थे ना उनको रिपेयर, लेटरिन की रिपेयर, सब उन्हीं की बदौलत है जो भगवानगंज में वार्ड 18 में काम हुआ। काम किया उन्होंने? काम किया ना। दोबारा आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे। अच्छा, कौन कौन सी समस्याएं आपके वार्ड में रह गई हैं जो वाकई होनी चाहिए पूरी? समस्या तो इस वार्ड में क्या, इस बस्ती में एक समस्या की सामुदायिक भवन नहीं है। अच्छा, सामुदायिक भवन की? हाँ, जैसे अजय नगर में है, सिंधी बस्ती है, वहाँ पे सामुदायिक भवन है, ऊपर सामुदायिक भवन है। हमारे यहाँ एक SC के लोग ही रहते हैं सारे, यहाँ पर का सामुदायिक भवन नहीं है, उसकी कमी अखरती है। सामुदायिक भवन की दरकरार है इस वार्ड को, लोग कह रहे हैं कि काम किया है लेकिन सामुदायिक भवन जैसा कि अजय नगर में है वैसा यहाँ पर भी होना चाहिए। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। जैसे और उर्मिला नायक की वजह से मेरी बात सुनो, बहुत अच्छा काम करती है वो और बहुत अच्छा करना चाहती भी है, और प्लस जो जितने भी मतलब कि रोड जितने भी बनते हैं सब उनकी वजह से बन रहे हैं, शौचालय हैं वगैरह, मतलब साफ सफाई है सब कुछ, मतलब उनकी वजह से सही काम अच्छा हो रहा है, बस मेरा कहना है यही है। आपकी गली में तार झूल रहे हैं हवा के अंदर, सफाई नहीं हो रही है, कचरा बाहर है? नहीं, वो तो नहीं है, वो सही है बिल्कुल, हमारे सही है बिल्कुल। पिछले जो कार्यकाल पहले नहीं था, अभी तो सही है बिल्कुल, अब सही है। हाँ, खुद आती है अपना काम कराने के लिए, वहाँ पर खुद चल के आती है, बोले कि नहीं ये अपना काम कराना वो काम कराना है। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114482312। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन Zomato एंड Swiggy एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स वैशाली नगर अजमेर। कैसा है इनका 4.5 साल का कार्यकाल? कार्यकाल तो अच्छा है लेकिन अभी नहीं सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं स्पीड ब्रेकर ठीक कराओ डेयरी के पास, जो स्पीड ब्रेकर है मात्र एक स्पीड ब्रेकर है उसको ठीक कराओ, उसमें बच्चे गिर जाते हैं, मैं खुद टांके लगवा के आई हूँ छोटे छोटे बच्चों को। और कौन सी समस्या है आपके वार्ड में इसके अलावा? वार्ड में हमारे हॉस्पिटल नहीं सही है, डॉक्टर ही नहीं होता, जो RC यादव डॉक्टर है वो अभी ट्रेनिंग पे है और पल्स पोलियो में, जो उनकी जगह मैंने सीमेचो साहब से 3-4 बार बात कर चुकी हूँ मैं,
कि भाई है ना डॉक्टर लाओ, इसकी इनकी जगह दूसरा भेजो। मरीज इतने परेशान होते हैं, दवाई के लिए भी होते हैं, और आजकल डॉक्टरों की फीस ही कितनी है। कम से कम मरीज बच्चों इनको दवाई तो सही दें। गहलोत जी ने दवाइयाँ फ्री करी है तो उसका फ़ायदा तो उठाए ना, तो वो डॉक्टर हमारे को चाहिए बस हॉस्पिटल में। वार्ड में गार्डन की और सीसीटीवी कैमरे की कोई व्यवस्था है? नहीं, गार्डन तो है, पार्वती उद्यान है नीचे है वो, हम वहीं जा रहे हैं अभी वॉक करने, हम वहीं जाते हैं वॉक करने। बाकी काम अच्छा है, लेकिन स्पीड ब्रेकर का एक काम करा दे हमारा, और हॉस्पिटल में हमको डॉक्टर चाहिए। अच्छा, दोबारा नहीं तो मैं तो फिर है ना हॉस्पिटल बंद कर दो हमारा। अच्छा, इस बार के चुनाव में अगर दोबारा इनको कांग्रेस टिकट देती है तो वोट वापस? पहले मेरे ये दो काम करें फिर बताऊंगी, मैं खड़ी होंगी खुद पार्षद के लिए। तो वार्ड 18 में इस वक्त कौन बनेगा मेयर शो पहुंच चुका है, और वार्ड पार्षद उर्मिला नायक इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, कौन कौन से काम हैं जो वाकई पूरे हो चुके हैं। मैडम, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस 4.5 साल के कार्यकाल में कितनी लागत से कौन कौन से विकास के काम आपने अपने वार्ड में कराए? हमारे वार्ड में 10 करोड़ की तो हमारे यहाँ पे सीवरेज लाइन, जो सबसे मेन समस्या थी कि गटर का पानी जयनगर बस स्टैंड से लेकर के बालाजी पॉइंट तक जाता था, उसको हमने प्रायोरिटी पर लेकर के हमने पहले सीवरेज डलवाई। इसके ये स्मार्ट सिटी अमृत योजना के अंदर डली थी हमारे यहाँ, और इसके बाद में हमने जो सबसे मेन हमने लिया कि हमारे यहाँ की जो मेन पुलिया थी अजयनगर पुलिया, वो 10 फुट की थी, उसे कि आज हमने 60 फुट में हमने चेंज किया। जैसा कि आप देखोगे कि यहाँ की पुलिया हुई है, प्लस उसके अंदर हमारा एक जेंट्स टॉयलेट नया भी हमने बनवाया है, प्लस उसके अंदर हमने कचरा डिपो, जो कि मेरे वार्ड में, मेरे संपूर्ण वार्ड में 6 डिपो हैं, स्पेशली उसके अंदर गेट वगैरह है, उसकी व्यवस्था हम देखी जब डेली उसको डेली रूटीन में हमने देखी जाती है। और यहाँ पे जो हमारा काम जो हमने किया है उसको हमने एक तरीके बदल लिया है, जैसे कि पहले सीवरेज डाली गई, फिर उसके बाद में उसे पाइपलाइन डाली गई, फिर उसके बाद में सड़क। आने वाले 10 साल 15 साल उनको किसी भी काम की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो सड़क खुदेगी या सड़क बनानी है, ऐसा वहाँ के लोग, अगर आप देखोगे, आप जाकर के उनसे पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पार्षद ने हमारे लिए किस तरीके बद हमारे लिए काम किया है, जो कि हमें आने वाले 10 सालों में कभी ज़रूरत नहीं पड़नी है। उसी के साथ में हमने हमारे यहाँ पर जो पार्क के लिए हमारा है सिंधी स्कूल है, उसके अंदर हमने पार्क के लिए है, जो कि अभी उसकी 9.5 लाख की लागत से उसका टेंडर वगैरह हो चुका है और जल्द से जल्द उसका निर्माण होने वाला है। वहाँ पर हमारे से पहले जो पार्षद थे वहाँ पे सीवरेज के टैंक थे, जो कि पूरा अजयनगर का मतलब 1976-75 में जो वहाँ बनी थी, उसके बाद में वो ख़त्म होकर के आज वो एक पार्क के रूप में हमने इसे दिया है, और अभी आप देखेंगे खेल मैदान के, अभी कच्चा है, खेल मैदान के रूप में आने वाले टाइम में हम उसे पार्क का रूप देने वाले हैं जल्द से जल्द। और इसी के साथ में हमने यहाँ पर जो नाला है, जो कि कभी यहाँ के जो निवासी रहते हैं हमसे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बताया कि जब से यहाँ बसावट हुई है उसके बाद में यहाँ की सफाई नहीं होती थी, उसे हम हर 6 महीने में, हमारे यहाँ 3 नाले हमारे अंडर में आते हैं, बड़े बड़े हैं, बरसाती नाले हैं, उनकी सफाई की जाती है। जहाँ मैनुअली ज़रूरत होती है, जैसे कि सामने नाला है ये मैनुअली होता है तो इसे मैनुअली किया जाता है, और जहाँ पर JCB की ज़रूरत होती है वहाँ पर JCB के द्वारा किया जाता है। और हमारे जो कार्यकाल का है, हमने हर साल का एक डेटा हम बनवाते हैं, जिसका विमोचन हमने सचिन पायलट जी से करवाया है, और हमारे जो 4.5-5 साल का जो कार्यकाल है उसको प्रिंटिंग पे गया हुआ है, और उसी का विमोचन हम CM साहब से करवाएंगे और आगे देखेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 4.5 साल का कार्यकाल आपका रहा, कांग्रेस से आप पार्षद हैं, BJP का बोर्ड यहाँ पर बना हुआ है, सरकार आपके आई हुई 1 साल हुआ है, इससे जो पहले क्या कभी आपको ऐसा हुआ कि बजट की दिक्कत आती थी, अधिकारी काम नहीं करते थे क्योंकि आप कांग्रेस के पार्षद हैं, ऐसा कभी हुआ? वो तो ऑब्वियसली होना ही है, क्योंकि हम विपक्ष में थे, तो हमारा वोट भी नहीं है, हमारा मेयर नहीं है, हमारे विधायक जी नहीं है, हमारा CM नहीं था, तो हमें कई ऐसा फेस करना पड़ता था कि हाँ यहाँ पर हमारा आदमी नहीं। आज हमें ये लगता है कि नहीं, कहीं भी जाकर हम बोल सकते हैं, हमारे इस वार्ड के भी कई लोगों को कहते हैं कि आज तो आपकी सरकार है, आप ही करते हैं, आज हमने उसे काम लिया है, और हमारा आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस सरकार रहेगी तो हमारा बहुत अच्छा काम होगा। तो आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें, यानी कि चेंज जो बनी रहे वो पार्टी की बनी रहे, तो काम वाकई होते हैं, विपक्ष में अगर होते हैं तो काम नहीं होते हैं? नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि क्योंकि आपके दोनों विधायक जो है, जो विधायक उम्मीदवार थे वो यहाँ से हार गए, महेंद्र सिंह ललवता हार गए, हेमंत भाटी हार गए, इन दोनों में से हेमंत भाटी ने जब चुनाव लड़ा तो आपके वार्ड से क्या स्थिति थी, यहाँ पर उनको बढ़त मिली थी या कम थी? यहाँ से जैसा कि उनका माहौल था कि भाटी जी साहब का, क्योंकि वो सेकेंड बार आए थे तो उनका माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ
कमियां अंदरूनी वजह से रह जाते हैं। इस वजह पार्षदों के साथ तालमेल सही नहीं था क्या उनका? नहीं, हम बहुत अच्छा रहा है क्योंकि यहाँ से हम 32 पार्षद उनके अंडर में आते हैं। हाँ। तो बहुत ही मतलब अच्छा था हमारे साथ तो रिस्पॉन्स। अच्छा, आप मुझे क्या बताइए, मैंने तमाम कांग्रेस के पार्षदों से बात भी की, आप लोगों के ग्रुप में क्या चर्चा चल रही है कि इस बार का जो मेयर है वो किसको बनाना है, वो उम्मीदवार की चर्चा किसके नाम को लेकर चल रही है, सही सही बताइएगा। इस चीज़ के लिए तो मैं कुछ जवाब नहीं दे सकती क्योंकि देखिए सब अपने आप में एक उम्मीदवार होती हैं। हाँ। जैसे कि आज हम महिलाओं को अगर इसका मौका मिल रहा है तो मैं भी चाहूँगी कि मैं भी इस लाइन में हूँ। हाँ। तो ऑब्वियसली सब है कि भाई लाइन में है, ऐसी महिला की है तो होना चाहिए कि हमें भी हमारा हक मिले। सब लाइन में है उसको लेकर आप खुलकर नहीं बताएंगे। अच्छा, आपके वार्ड के अंदर सीसीटीवी कैमराज नहीं है, आपको लगता है कि वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है क्योंकि सदन में मामला कई पार्षदों ने उठाया था इस बात को? हमने सीसी कैमरे के लिए दिया था लेकिन प्रॉब्लम ये आई थी कि हमारा स्मार्ट सिटी में नहीं है वार्ड, तो हमारा वार्ड इसीलिए चेंज अलग हो जाता है कि आपका वार्ड स्मार्ट सिटी में नहीं है। आपको दिए जाएंगे लेकिन एक समय के बाद, क्योंकि 13 वार्ड स्मार्ट सिटी में, जैसा कि आपको पता है 13 वार्ड स्पेशली लिए गए हैं तो पहले उनको प्रायोरिटी पे लिया गया, अगर होता है तब हमारा वार्ड आता है। हमारी मांग तो यही है कि हमारे वार्ड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो स्मार्ट सिटी के काम कहते हैं लोग, तो अगर उसको धरातल पर आके देखा जाए तो SC ST एरिया जो होता है उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है स्मार्ट होने की, क्योंकि जिन वार्डों को आपने लिया है वो तो ऑब्वियसली डेवलप है ऑलरेडी, उन्हें डेवलप करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप यहाँ धरातल पर आके देखते हैं कि यहाँ पे सड़क की ज़रूरत है, नाली की ज़रूरत है, स्मार्ट सिटी के अंदर बच्चों को स्कूलें इनको स्मार्ट की जा रही हैं, इनको हर चीज़ का सुविधा दी जाती है, अगर वो इधर देखे दक्षिण में देखा जाए तो ज़्यादा वार्ड होने चाहिए, ज़्यादा वार्ड होने चाहिए थे। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ और बताइए, कई पार्षदों से हमने इस सवाल को लेकर भी बातचीत की, अजमेर विकास प्राधिकरण के बहुत सारे इलाके वार्डों के अंदर आते हैं, कई काम कराते हैं वार्ड के अंदर, लेकिन पार्षदों की भागीदारी अजमेर विकास प्राधिकरण में नहीं होती है, आपको लगता है कि वाकई एक कमेटी ऐसी बननी चाहिए जिसमें पार्षदों को शामिल करना चाहिए, फंड विकास प्राधिकरण को पार्षदों के मार्फत देना चाहिए? जैसा कि पार्षदों को एक तरह से सिर्फ देखा जाता है तो सिर्फ निगम तक ही रखते हैं कि भाई आप निगम से रिलेटेड हो, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हो कि भाई ADA भी आता है तो हमारे अंडर आता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई फंड आज तक नहीं आया क्योंकि ADA में कच्ची बस्ती, हाउसिंग बोर्ड, गोलन वगैरह ये आती हैं लेकिन हमारा नहीं ले गया, क्योंकि कच्ची बस्ती फंड जारी होता है वो ADA से जारी होता है जो कि आज पूरे 5 साल होने को आए हैं कम्प्लीटली, लेकिन अभी तक 1 रुपया आता नहीं है। और पार्षदों से तालमेल तो पहले तो BJP का बोर्ड था और अभी तक उस पर कोई सीट फील नहीं हुई है, तो अभी तक हुआ नहीं है। कांग्रेस का बोर्ड जब आ जाएगा तो उम्मीद है कि कुछ काम बजट वगैरह खर्च करवा पाएंगे। पक्का पक्का पक्का। चलिए कुछ वार्ड के लोग हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114-82312। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन Zomato एंड Swiggy एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स वैशाली नगर। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन के लिए कॉल करें 9929477333। बाबू जी, क्या नाम है आपका? रमेश। कैसा है इनका 4.5 साल का कार्यकाल? सबसे दी बेस्ट और सराहनीय। क्या काम किए इन्होंने ऐसे? जो विकास आज से 20 साल पहले हो जाने चाहिए थे। हाँ। वो विकास रुके हुए थे इनके आने के बाद में। अजय नगर की कायाकल्प हुई है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी गंभीर समस्या थी सीवरेज की। सीवरेज के लिए लोगों के घरों के अंदर मैला भर जाता था, उनसे मुक्ति मिली है इनके प्रयास से और वार्ड के कार्यकर्ताओं के सहयोग से। लगभग 10.5 करोड़ रुपए का सीवरेज कनेक्शन और सीवरेज चैम्बर्स बने, उसके कारण जो सेफ्टी टैंक 74 से बने हुए थे वो आज मुक्त हो गए और उनकी जगह एक शानदार गार्डन स्वीकृत हो चुका है। पहला काम। दूसरा काम, जिस रोड पे आप अपन खड़े हुए हैं ये बालाजी बस स्टैंड रोड है, ये रोड मात्र 40 साल से 10 फुट का बना हुआ था, जिसके कारण आने जाने वालों को एक्सीडेंट की संभावनाएं बनी रहती थी, हमेशा एक्सीडेंट होते थे। लेकिन इनके कार्यकाल में ये रोड आज 60 फुट का बना है, ये वार्ड के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर पेयजल की समस्या गंभीर बनी हुई थी क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, उसके लिए लगभग 5000 मीटर पाइपलाइन अभी तक इनके कार्यकाल में डल चुकी है।
और आने वाले अगले महीने में 1 करोड़ रुपए की सेंक्शन पाइपलाइन हो रखी है, जो पानी की टंकी से लेकर ओड बस्ती के लिए डलने वाली है। इस क्षेत्र में 2 बड़े नाले हैं जिनकी सफाई सालों तक नहीं होती थी, लेकिन आज इनके कार्यकाल के अंदर ये जो नाले आप देख रहे हो नीट एंड क्लीन पड़े हुए हैं, हर 6 महीने के अंदर सफाई होती है। जितने मुझे एक चीज़ बताइए, आपके वार्ड में कोई ऐसी समस्या है जो वाकई इनको करनी चाहिए थी, अधिकारियों के चलते, बीजेपी के बोर्ड के चलते ना पूरी हो पाई हो, वो काम कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक सामुदायिक भवन, मात्र एक सामुदायिक भवन है जो बीजेपी के कार्यकाल में बना था, पूर्व पार्षद राजकुमार जी मौर्य के टाइम में। 15 साल हमारी माननीय अनिता बघेल जी यहाँ के विधायक रही, लेकिन वार्ड नंबर 18 से वो हमेशा ही मतलब भेदभाव की नीति अपनाते हुए कार्यों को बाधित करती रही, न करने, न खुद किया न करने दिया। इनके कार्यकाल में भी इस मुद्दे को हमने गंभीरता से उठाया और सामुदायिक भवन की रिपेयर के लिए कई दफ़े हम लोगों ने मांग करी, लेकिन एक भी पैसा आज तक विधायक फंड से वार्ड नंबर 18 में नहीं लगा। विधायक की बात आई है तो एक बार पार्षद के पास वापस से मैं आ जाता हूँ। मैडम ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्या अजमेर दक्षिण की जो विधायक है अनिता बघेल, उन्होंने वार्ड 18 में कोई काम नहीं किया, कोई पैसा खर्च नहीं किया? उन्होंने सिर्फ एक काम किया कि वार्ड 21 का जो बीजेपी का पार्षद है, बीजेपी है, उनका बोर्ड, उनका जो पटशिला होती है वो हमारे वार्ड में लगा दी। एक उन्होंने 19 का लगा के हमारे में लगा दी। आप देखेंगे ये लगा है, ये 21 का लगा है। अब जो आप, क्योंकि जो इंसान काम, वार्ड नंबर ये 18 है। देखिए ये तस्वीर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से लोकतंत्र में धज्जियाँ उड़ती हैं, वो तस्वीर देखिए। मैं कहूँगा मेरा सहयोगी राजवीर उसको जूम करके आपको दिखाएगा। इसके ऊपर लगा हुआ है कि नगर निगम अजमेर के द्वारा वार्ड नंबर 21 अजय नगर में पुराने बस स्टैंड से काली माता मंदिर तक, ये एक शिलान्यास की जो पट्टिका लगी हुई है इस पर मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती अनिता बघेल लिखा हुआ है। इनका कहना है यहाँ की जो पार्षद है कि ये वार्ड नंबर 18 है, लेकिन एक जो शिलान्यास की पट्टिका है वो वार्ड नंबर 21 की यहाँ पर लगा दी गई है। तो बहुत 19 की भी है हमारे यहाँ पर, 19 की भी आपके, हाँ 19 की भी, उनके, उन्हें क्या है आचार संहिता लगने से पहले पहले उन्हें फीते काटने थे कि हमने ये काम किया, उसके बाद में उन्होंने ये फटाफट उन्होंने फीते काटे और ये पट्टिकाएँ लगा दी। आज हम उन्हें ये, अगर वो हमारा ये देखते हैं तो उन्हें हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप ये वार्ड तो चेक कीजिए कि आप कहाँ पे क्या चीज़ लगा रहे हैं। कभी आई हैं वो आपके पास मिलने के लिए, क्योंकि आप पार्षद हैं, वो विधायिका हैं, कुछ फंड अगर खर्च उनको करना हुआ, ऐसा कभी हुआ? नहीं, उन्होंने एक ये करा कि हमने पाइपलाइन के लिए 2015 में हम पार्षद उनके आए थे, तब हमने अक्टूबर से हमने लगाई थी कि हमारे यहाँ पे पानी की बहुत गंभीर समस्या थी ओड बस्ती के लिए। वहाँ पे हमने उन्हें स्पेस बताया कि हमारे यहाँ पे पानी की टंकी की ज़रूरत है और उसकी हमने आज तक हमारी बहुत फाइल बन चुकी है। हमने अपने CM तक, PM तक हमने उसकी मांग करी। उन्होंने उस टंकी को जागृति नगर जो कि 21 नंबर वार्ड में होती है वहाँ पे उन्होंने उसे बनवाने की तय कर रखी, लेकिन उसके उसकी जो क्या कहते हैं स्वीकृति है वो मेरे नाम से है। आज भी मेरे पास है उसका राइटिंग में पेपर आया है कि वार्ड नंबर 18 के लिए उर्मिला नायक ने पानी की टंकी स्वीकृत की गई है, जो कि 100 करोड़ और कुछ 400 करोड़ करके मेरे टंकी का आया सेंशन, लेकिन उसे यहाँ नहीं लगने देते हैं, उसकी जगह जागृति। हम चाहते हैं जागृति में भी लगे, वहाँ भी हमारे ही निवासी है, वहाँ कोई गलत नहीं, लेकिन हमारे यहाँ के वार्डवासी है वो भी कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में प्यासे मर रही है, कौन सी दुर्बल। चलिए आरोप तो आपने लगाया, अब एक बात और बताइए, कभी आपने अनिता बघेल को चिट्ठी लिखी किसी काम के लिए, कभी कहा कि आइए और हमारे वार्ड में? हम उसके लिए हम मैन्युअली गए थे, हमारे वार्डवासी भी हमारे साथ गए थे, हमारे जो साथी कांग्रेसी जन है उन सबको हम लेके गए थे। मैं नहीं गई थी, मेरे जो बड़े हैं वो गए थे कि हमारे यहाँ पे ज़रूरत है पानी की टंकी, ओड बस्ती के जो मेन है यहाँ पे सरदार जी, जिसे भाई साहब जिसे कहते हैं, वो भी गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया, उन्हें साफ कह दिया कि मेरा वार्ड नहीं पड़ता। साफ मना कर दिया। ऐसे ही कांग्रेस के जो पिछले वार्ड हमने आपको दिखाए कौन बनेगा मेयर शो में, वहाँ से भी ये तस्वीर निकल के आई कि अजमेर दक्षिण की जो विधायक है अनिता बघेल, उन्होंने कांग्रेस के वार्ड के अंदर काम नहीं किया। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, कैसा रहा इनका 4.5 साल का कार्यकाल? हमारे यहाँ के पार्षद बहुत बढ़िया काम किया है, यहाँ की जो सीवरेज की जो समस्या थी बहुत बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, सब लोग परेशान थे, और इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि आने वाले टाइम में सीवरेज की परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो गई वार्ड नंबर 18 से, और रोड इतने बढ़िया फर्स्ट क्लास बना दिए हैं,
साफ सफाई बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई और काम जो इनको करने चाहिए बचे हुए कार्यकाल में? अभी तक तो कुछ बाकी रहा नहीं है, छोटे मोटे काम हैं जो शायद ये पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing aur accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 811-44-82312. 4.5 saal ka karyakal kaisa raha madam ka? Kaun se kaam hai jo reh gaye hain karne chahiye inko? Dekhiye sir, main apan jahan khade hue hain, अपन जहाँ खड़े हुए हैं शायद अपन खड़े होके इसके पहले बात नहीं कर सकते थे। इतनी बदबू आती थी शायद यहाँ से, ये सामने जो मकान है ना, वो और मैं 1982 से रह रहा हूँ, मेरा वो मकान सामने, हम कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। ये रोड देख रहे हैं अभी बालाजी की मंडी, यहाँ तक इतना सकड़ा था जिसकी गह देनी सांप बिच्छू का आए दिन डर रहता था। वास्तव में साहब, हम इनके कार्यकाल में और इनके कार्य से बहुत संतुष्ट हैं, काम किया है, बस सच्चाई तो ये है। कार्यकाल इनका कैसा रहा और क्या लगता है आपको कि कुछ काम और होने चाहिए थे? जैसा कि मैं पैदा हुआ हूँ 83 में, अजयनगर में, इसी वार्ड में, इसी क्षेत्र में, तो सालों से छोटे थे, बड़े भी हो गए 20 साल, समझो 20 साल होते हैं आदमी को बड़े होने में, 20 साल के बाद आज 36 साल मेरी एज है, उम्र है, तो 16 साल हो गए। जो 20 साल से मैं परेशानी देख रहा था, सबसे बड़ी परेशानी थी सीवरेज की, जो घरों के अंदर पानी गटरों को जाता था, जैसे घर पे अपन जाते हैं फिर वो बदबू घर पे रहती है, मेन तो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे अजयनगर की, सबसे बड़ी सीवरेज की, वो सबसे बड़ी ख़त्म हुई। उसके बाद जो आप नाले अभी भी देख रहे हो, यहाँ से दूर से देखोगे ना तो चमक रहे हैं शक्ल, इन नालों में बदबू आती थी, वो नाले साफ होते हैं। उसके बाद साफ़ सफाई बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। पानी की जो थोड़ी समस्या थी, पुरानी लाइनें थी, वो बिल्कुल नहीं हो गई है, चकाचक और एक नंबर प्रेशर आता है, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। सारे कांग्रेस इनको टिकट देते हैं? बिल्कुल टिकट देगी और टिकट लेंगे कांग्रेस और ये जीतेंगे। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाली देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन के लिए कॉल करें 9992947733। अभी तक वो 4.5 साल का कार्यकाल इनका कैसा रहा, आपको क्या लगता है और काम इनको करने चाहिए? 4.5 साल काले कार्यकाल में इनका काम बहुत अच्छा हुआ है, सराहनीय हुआ है, और हम जहाँ तक हमारे वो देखते हैं जो नाले की सफाई है, सिविल लाइन का जो इन्होंने काम कराया बहुत अच्छा काम करवाया है। सिविल लाइन का नहीं तो पानी पूरा घरों में घुस जाता था और लोगों बारे कोई रसोई तक पानी आ जाता था, और रसोई में बैठ के खाना भी खाते थे, सिविल लाइन पानी बदू में रोटी खाते थे। लेकिन जब से ये पार्षद बने इनका एक ही उद्देश्य है, ये नहीं सिविल लाइन खत्म, अपन को ये ख़त्म करनी नालों का पानी, और सिविल लाइन लाना है, और सिविल लाइन इन्होंने लाया, इसके लिए हम बहुत इनकी आभारी हैं। और बस आने वाले टाइम में अगर इनको कांग्रेस टिकट देती है तो हम इनको भारी मतों से जिताएंगे। चलिए, कौन बनेगा मेयर शो में वार्ड नंबर 18 में हम मौजूद थे और उर्मिला नायक वार्ड पार्षद हैं कांग्रेस से, उनसे हमने बातचीत की, जानने की कोशिश की कि क्या क्या समस्या उनको यहाँ पर देखनी पड़ी। एक बात बहुत महत्वपूर्ण खुलकर आई कौन बनेगा मेयर शो में, जब हम वार्ड पार्षदों से बातचीत कर रहे हैं तो ये नज़र आ रहा है कि नगर निगम के अधिकारी, अजमेर के जो विधायक हैं, अजमेर के जो सांसद हैं और पार्षद हैं, इन चारों लोगों में आपस में बड़ी खींचतान है। तो राजनीति के अंदर ये खींचतान लोगों के बीच में एक बड़ी समस्या बनकर आ रही है। कौन बनेगा मेयर शो में आपके वार्ड में भी, आपके घर पर भी हम आने वाले हैं आपके वार्ड पार्षद के साथ, और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके वार्ड में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। आज के लिए केवल इतना ही। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing aur accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 811-44-82312.